शुक्रिया विजयन ने आपके सामने फोरम का एक आकार बताया, फॉर्म ऑफ द फोरम. और उसी कॉन्टेक्स्ट में आज ट्रांसेंडिंग बॉर्डर्स एंड डिफाइंग टैबूज, फहमीदा रियाज एक बिकम्स अ सिंबल ऑफ द काइंड ऑफ वर्क दैट द फोरम हैज़ डन. एंड दिस इज एक्चुअली सेलिब्रेटिंग हर लाइफ ऑन द 14th ऑफ फेब्रुअरी, विच आई थिंक अगर वो कहीं हमको सुन रही होंगी तो शी विल बी हैप्पी कि शी इज़ बीइंग कमेमोरेटेड ऑन दिस वेरी इंपॉर्टेंट डे ऑफ लव. तो आज के प्रोग्राम को हमने इसी तरह से कंसीव किया है कि हमारे बहुत ही नेचुरली देर आर मेनी पीपल इन द ऑडियंस हु कैन स्पीक अबाउट हर, मगर द फ्यू दैट वी वर एबल टू हु वर काइंड इनफ टू रिक्वेस्ट एक्सेप्ट आर इल्तिजा टू कम टुडे इज द देर इज वील हैव सुबोध लाल, जो एक खुद ही एक मैं एकदम से इनका छोटा सा बुक कर दूँ स्केच सो दैट एवरी टाइम वी डोंट इंट्रोड्यूस अ न्यू स्पीकर. तो सुबोध लाल खुद बहुत अच्छे राइटर हैं, एक जर्नलिस्ट हैं, और उन्होंने बहुत नज़दीकी से उनके काम को देखा है, उनको बहुत अरसे से जाना है. हमारे साथ फरत रिजवी हैं जो फिर पर्सनली उनके साथ, फहमीदा आपा वो उनको कहती हैं, और उनके साथ उन्होंने उनका साथ निभाया है और अपने इन हर ओन वे शी इज़ अ राइटर एंड शी इज़ अ पोएट एंड शी इज़ अ जर्नलिस्ट. उसके बाद हमारे पास हमने ये कोशिश की है कि उनकी एक नज़म है पलवशे मुस्कुराओ, तो हमने उसमें हमारे ये उर्दू में उसको रिसाइट करेंगे जमाल कदवाई, और अंग्रेज़ी में उसको सुनीत टंडन रिसाइट करेंगे और वो खुद ही उसका इंट्रोडक्शन देंगे. फिर हमारी दोस्त हैं, हमारी बहुत ही जानी मानी इस मुल्क की हस्ती हैं उर्वशी बुटालिया, जिन्होंने इन 2014 में फहमीदा को इंटरव्यू किया था एटिक में, कनॉट प्लेस में, जो हॉल है एटिक उसमें इंटरव्यू किया था, और फिर वो बहुत लोगों ने देखा है. तो इन अ सेंस यू नो एंगेज्ड विद हर फॉर अबाउट एन आवर और 45 मिनट्स, सो उनका भी एक एंगेजमेंट है, उनकी नॉलेज है उनके बारे में. एंड सो उसका है, हमने उसका नाम रखा है स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर, वो दैट वाज द पर्सनालिटी ऑफ उर्वशी. फिर हमारी दोस्त और हमारी एक और माया नाज हस्ती हैं हमारे मुल्क की, और वो हैं विद्या शाह. वो उनकी नज़मों को म्यूज़िक में उन्होंने उनका उसका रेंडिशन है वो आपके सामने पेश करेंगी. और उसके बाद मीरा रिजवी, जिनके ख़ानदान ने बहुत उनको एक तरह से सपोर्ट किया उन बहुत मुश्किल के दिनों में, तो मैंने उनकी वालदा को बुलाने की कोशिश की थी, अज़रा को, अज़रा रिजवी को, पर वो उनकी उनको चलने में थोड़ी मुश्किल थी तो वो नहीं आ सकें, बट वी हैव अ वंडरफुल सब्स्टिट्यूट इन हर डॉटर. एंड वो और उनके इनके वालिद मुजीब रिजवी के बारे में बहुत ही अच्छी नज़म लिखी थी जब वो गुजरे थे, तो वो मीरा हैं. और उसके बाद अज़रा नकवी हैं जो खुद एक शायरा हैं जो उनकी नज़में पढ़ेंगी, और एक और नाम है हुमा बिजनौरी का, मगर मुझे पता नहीं वो इस वक्त यहाँ तशरीफ़ रखती हैं कि नहीं. और आखिर में हमने रखा है महमूद फारूकी को. एक ज़माना था कि मैं मशायरे बाज शायर था और मशायरों में बुलाया जाता था, तो ये सन 81 की बात है कि मुझे अम्बाला के एक मशायरे में बुलाया गया. उस वक्त मैं पोस्टेड था. जो बातें मेरे बारे में कही गई उसमें एक चीज़ मिसिंग ये है कि मैं सरकारी नौकर भी था. तो मुझे एक मशायरे में वहाँ बुलाया गया जहाँ कतील शिफाई, अमजद इस्लाम अमजद और फहमीदा रियाज आए हुए थे. उसके अगले दो दिन लगातार मैंने खुद ऑर्गेनाइज़ कर रखे थे मशायरे सहारनपुर में. एक बज़्मे अदब थी उसकी तरफ से और एक ट्रेनिंग सेंटर जिसका मैं डायरेक्टर था उसकी तरफ से दो मशायरे ऑर्गेनाइज थे. तो वहाँ छोटी सी मुलाकात हुई अम्बाला में, लेकिन जब हम लोग वहाँ पहुँचे सहारनपुर वाले मशायरे में, तो उन्होंने नज़म सुनाई और उसके बाद वो स्टेज से नीचे उतरी अपने बेटे को ढूंढने, जिसका नाम कबीर था. तो उन्होंने आवाज़ लगाई कबीर कबीर, इत्तफाक देखिए कि मेरे बेटे का नाम भी कबीर है. तब जब उन्होंने कबीर कबीर आवाज़ लगाई
तो कबीर उज्जैन के बजाय कबीर लाल उनके पास पहुंचे, कहने लगे जी बताइए। उन्होंने कहा आप भी कबीर हैं? हाँ जी। तो कहा अच्छा भाई मैं अपने कबीर को ढूंढ रही हूँ। खैर उस वक्त तक मैं पहुंच गया क्योंकि मेरा कबीर खो गया था, तो मैं पहुंचा के भाई मेरा कबीर कहाँ चला गया। तो फिर एक दफ़ा मुलाकात हुई और मैंने बताया कि जो अगला मुशायरा है वो मेरे ट्रेनिंग सेंटर में वगैरह वगैरह। खैर बात इस तरह चलती रही। ख़वातीनों हज़रात, सबसे पहले भी तुम्हें शुक्रिया करना चाहती हूँ इस फोरम का कि उन्होंने फहमीदा रियाज को याद किया। ये कितनी अजीब बात है कि वो हस्ती जिन्होंने इस मुल्क से इतनी मोहब्बत की और उनकी पैदाइश यही हुई, 3 महीने हुए और किसी ने किसी प्लेटफॉर्म पर उनको याद नहीं किया गया, इसलिए मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैंने कई जगह लोगों से कहा भी, शायद डीपी त्रिपाठी जो उनके बड़े अच्छे दोस्त हैं उनकी तबीयत ख़राब है, अगर उनकी तबीयत ठीक होती तो ज़रूर वो कुछ ना कुछ प्रोग्राम करते, वो जब भी आते थे करते थे प्रोग्राम। और उर्दू वालों को करना चाहिए था, लेकिन उर्दू वालों ने जिस तरह जब वो यहाँ 7 साल रही हैं जिस तरह उस वक्त वो नज़रअंदाज हुई तो इस वक्त भी उनको नज़रअंदाज किया। मैं खुद उर्दू से हूँ लेकिन ये शिकायत है और मैं उसको कन्फेस करती हूँ। लेकिन आज उनकी रूह बहुत खुश हुई होगी कि बारिश हो गई, उनको बारिश से बहुत मोहब्बत थी और उनके कलाम में उनके मजमूए में बहुत सारी नज़में बारिश पर हैं और बारिश से वाकई उन्हें इतनी मोहब्बत थी कि 5 साल पहले का मैं वाकया बताती हूँ कि मैं लखनऊ उनके साथ गई थी और मेरी तबीयत ऑलरेडी ख़राब थी काफ़ी, और हम जनवरी थी 29-30 जनवरी थी और वहाँ पर हम लखनऊ यूनिवर्सिटी के गेस्ट हाउस में रुके हुए थे और तेज़ बारिश हो गई। 60+ की फहमीदा रियाज 18 साल की लड़की की तरह बारिश में रक्स कर रही थी और मैं उनको पकड़ कर, मैं तो बहुत छोटी थी, मतलब उनसे तो छोटी थी, मैं उनको कुछ कह नहीं सकती थी, उनको घसीट रही थी, लेकिन वो कह रही थी कि हम कोई मिट्टी के थोड़ी बने, हम मोम के थोड़ी बने, और ये देखो रहमत नाजिल हो रही है, आओ तुम भी आओ रक्स करो, तो बारिश हो गई, ये बहुत अच्छी बात है। पलवशे मुस्कुराओ, पलवशे स्माइल। Looking through the lattice of your eyes, my daughter, why are you so sad? Why do you think your father's struggle was an effort futile? Why? Because people talk? Such falsehoods they speak. Come, come into my arms. Together let us think about what is true, what is false. Life's deep secrets to us will then be revealed. How dreams nestle in some eyes, how some live by their truth, how some color with their blood sketches of their dreams, how some, like flaming torches, walk on the darkest roads. Such a one was your Baba. Why? The question they ask, why on this earth are there clutches of poverty? Are there gnawing hunger pangs? Are there cravings of gullets? Why this abundance only for a few? From the wealth of the world, why do most remain deprived? The salt of the ocean, the sweat of the brow, why is it not stretched over all the earth? Life which is for all, joy which is for all. You, my daughter, trembling with tears held back, lift those tear-drenched eyes. Wherever they happen to glance, life's melee will be the same. This beautiful earth, with treasures in its depths, ripe seeds, bunches of ancient treasure troves, this composite bequest, this struggle, this glory, why only for a few? The struggle goes on. On this longest road, so many have passed. We search for their faded footsteps. Then, from the very dirt, rises a human form. Bursts like a flame, ascends like a crescendo, a taper in the skies. The road, it twists and turns for an instant, light up. And in this flash, we open a book, we search for lines on a palm, then in a dark, distant corner, we observe a small desire, a lost aspiration.
Your Baba, my child, was that human. Others cast in his mold are scattered on the earth. Around their burnt-out frames can be seen a nimbus, trails of a glorious past. On your lashes, my child, trembles a tear in which I detect the gleam of a new dawn which tomorrow will bring.